हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी जानते हैं कि आजकल समर्स हैं, तो समर्स में सनस्क्रीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो टाइटल से तो आपने पता लगा ही लिया होगा कि मैं आज बात करने वाली हूँ सनस्क्रीन्स के बारे में। तो मैं आपको चार ऐसे सनस्क्रीन्स बताऊंगी जो कि आप समर्स में यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने में बहुत ही अच्छी हैं। मैंने पर्सनली उन चारों को यूज़ करके देखा है और मुझे चारों ही बहुत अच्छी लगी। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, सो आप में जरूर पार्टिसिपेट करें। उसके रूल्स जो भी हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रूल्स सिंपल है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन हिट करना है, मेरी वीडियोस को अगर आप देख रहे हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको रिव्यू दूंगी या इन सनस्क्रीन्स के बारे में बताऊंगी वो मेरे पर्सनल रिव्यू हैं। मैंने इन सनस्क्रीन्स को यूज़ करके देखा है और मुझे पर्सनली कैसा लगा इनको यूज़ करके, मैं आपको वो बता रही हूँ। सो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली सनस्क्रीन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये प्लम की। इसमें आपको SPF 30 मिल रहा है, साथ ही ग्रेपसीड ऑयल एंड सी बकथॉर्न ऑयल जो है वो इसमें डले हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं इन विटामिंस एंड न्यूट्रिशन वैल्यूज। सो साथ ही साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, सन से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये वर्क करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो सनस्क्रीन को जब आप अप्लाई करते हो तो आप बाहर जाने से 10 या 15 मिनट पहले अपने फेस पे इसको अप्लाई करें, ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद आपको सन एक्सपोजर में जाना चाहिए। इसका MRP जो है वो है 475 रुपीज़, और ये आपको पर्पल पे मिल जाएगी ऑन डिस्काउंट। अभी भी पर्पल पे डिस्काउंट चला हुआ है इसके ऊपर, और ये आपको पड़ जाएगी 400 रुपीज़ की। सो ये जो है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, स्पेशली जो डल स्किन की जिनको प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेगी। कुछ सनस्क्रीन्स होती हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देती हैं, चिपचिपा सा फील होता है, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, ये आपकी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट करेगी, मॉइस्चर प्रोवाइड भी करेगी, सो बिल्कुल मैट लुक नहीं देगी आपको, थोड़ा सा आपको स्किन ग्लोइंग सी लगेगी इसको यूज़ करने के बाद। प्लम के जो प्रोडक्ट होते हैं वो वेगन फ्री होते हैं, और ये पैराबेन, थैलेट, सल्फेट फ्री हैं, SLS फ्री हैं, और इनमें कोई भी एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट नहीं डाला हुआ है। सो प्लम के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं यूज़ करने में। सो ये है मेरी फर्स्ट सनस्क्रीन जो कि मैं यूज़ करती हूँ समर्स डे में। सो मैं आपको थोड़ा सा अपने हैंड पे इसको दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी ऑयली सी फिनिश नहीं दे रही है, थोड़ी सी आपको शाइनी सी लग रही है, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, एक मॉइस्चर प्रोवाइड करवाती है आपकी स्किन को, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। सो सेकंड जो सनस्क्रीन है वो है ये पॉन्ड्स की सन प्रोटेक्ट नॉन ऑयली सनस्क्रीन। इसमें आपको SPF 30 मिल रहा है, PA++ UVA UVB क्रीम। ये पॉन्ड्स का न्यू लॉन्च है, इसको लॉन्च हुए 1 या 2 मंथ्स हुए हैं अभी। तो ये इसकी स्मॉल पैकेजिंग है, इसका प्राइस है 99 रुपीज़। तो इसमें आपको बड़ी वाली पैकेजिंग भी मिल जाएगी। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो जिस तरह की पॉन्ड्स की क्रीम्स की फ्रेग्रेंस हो, उसकी फ्रेग्रेंस सेम वैसी की वैसी है, बट ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है स्किन के ऊपर। ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो समर्स के लिए। सो ये है नेक्स्ट सनस्क्रीन। नेक्स्ट जो थर्ड सनस्क्रीन है और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है यूज़ करने में, वो है ये लोटस हर्बल्स की सनस्क्रीन। सो ये एक जेल फॉर्म में है, और ये आपको प्रोवाइड करवाती है SPF 50 UVA एंड UVB PA++ अल्ट्रा सूदिंग मैट लुक ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन। सो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। आपको 2 साइज़ में अवेलेबल है, एक है 50 ग्राम एंड सेकेंड है 100 ग्राम। सो 15 ग्राम के लिए इसका जो प्राइस है वो है 275 रुपीज़, और 100 ग्राम के लिए इसका जो प्राइस है वो है 395 रुपीज़। तो प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है 100 ग्राम्स के लिए, बट अगर आप इसको बाई करोगे तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने इसके ऊपर 375 रुपीज़ या 275 रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए हैं। सो बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। सो इसको मैं आपको थोड़ा सा अपने हैंड पे यूज करके दिखाती हूँ। सो इस तरह से ये जेल फॉर्म में है। सो मैं यहाँ पे अपने आर्म पे यूज करके दिखाती हूँ। सो
सो आप देख सकते हो बिल्कुल ही मैट फिनिश देती है, बिल्कुल भी कोई भी शाइन नहीं है मेरी आर्म के ऊपर। सो ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है यूज़ करने में सनस्क्रीन, और नॉर्मल स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन वाले थोड़ा यूज़ करने से पहले देख लें, शायद हो सकता है आपकी स्किन के लिए ये काम ना करें। सो ये है मेरी थर्ड सनस्क्रीन जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है समर्स में यूज़ करने के लिए। सो फोर्थ जो सनस्क्रीन है और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है ये न्यूट्रीजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक SPF 50+ विद हेलियोप्लेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB PA++ सनस्क्रीन। सो ये जो है ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, ये आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करेगी और साथ ही ऑयल फ्री भी है और इसमें कोई भी पैराबिन वगैरह नहीं डला हुआ है। जब मैं इस सनस्क्रीन को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ मुझे अपनी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड लगती है, बिल्कुल भी ऑयली सी नहीं लगती स्किन। और ये सनस्क्रीन जो है ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है। सो अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हो तो आप इसको अप्लाई करके स्विमिंग कर सकते हो। कि तो इसका जो MRP है वो है, इसमें आपको टू साइजेस अवेलेबल हैं, एक है 30 ml और सेकंड है 88 ml। जो 30 ml है वो ये वाली पैकेजिंग है, स्मॉल पैकेजिंग जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। इसको 2 weeks हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए और मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है यूज़ करने में। तो इसका प्राइस है ₹199, ये स्मॉल पैकेजिंग है। इसकी जो 88 ml वाली पैकेजिंग है उसका प्राइस है ₹467। तो थोड़ी सी कॉस्टली है मे बी, क्योंकि ये वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ है उस वजह से। सो बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है ये, मेरे फर्स्ट नंबर पे है, ये मुझे यूज़ करने में बहुत अच्छी लग रही है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कॉस्टली है, बट आपकी स्किन है, आप अपनी स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी स्किन को सेफ रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, सो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। सो ये हैं 4 सनस्क्रीन्स जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल समर्स के लिए, बहुत अच्छी सनस्क्रीन्स हैं। अगर इनकी रैंकिंग की बात करूँ कि मुझे इन्हें किस तरह से इनकी रैंकिंग करनी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो मैं फर्स्ट नंबर पे रखूंगी ये न्यूट्रीजिना वाली सनस्क्रीन, सेकंड नंबर पे मैं ये लोटस वाली सनस्क्रीन को रखूंगी और थर्ड नंबर पे ये दोनों सनस्क्रीन्स। तो ये चारों सनस्क्रीन्स मुझे बहुत अच्छी लगते हैं यूज करने में। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।